आज 10 दिसंबर है। आज के दिन दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बांटा जाता है, नोबेल। स्टॉकहोम और ओस्लो में कार्यक्रम होते हैं। इनमें साल के नोबेल विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। ओस्लो में सिर्फ शांति का नोबेल दिया जाता है, बाकी कैटेगरी के अवार्ड स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत करने वाले अल्फ्रेड नोबेल की यही इच्छा थी। नोबेल पुरस्कारों की अपनी पहचान है, इसे प्रतिष्ठा, ईमान, मानवीयता का मापदंड माना जाता है। कसौटी पर एकदम कसा हुआ, लेकिन कई बार ये मापदंड ध्वस्त हुए हैं। जब जब ऐसा हुआ, तब तब नोबेल प्राइज की साख पर बट्टा लगा है। आज जानेंगे नोबेल प्राइज के सबसे बड़े विवादों का इतिहास क्या है और नोबेल अवार्ड में घपले वाली बात में कितनी सच्चाई है। साथ में बताएंगे आज के दिन इंटरनेशनल मीडिया में क्या खास छपा है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। जोसेफ स्टालिन, बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर में क्या समानताएं हैं? बहुत सारी। मसलन, तीनों सन की तानाशाह थे, तीनों ने लाखों लोगों को मरवाया, तीनों ही वर्ल्ड वॉर टू का हिस्सा थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन में पैदा हुए थे अक्टूबर 1833 में। अपने जीवन काल में उन्होंने कई आविष्कार किए, लेकिन जिसके लिए उन्हें सबसे अधिक चर्चा मिली वो था डायनामाइट। अल्फ्रेड डायनामाइट को शांति का माध्यम बताते थे। उन्होंने बैलेंस ऑफ टेरर यानी आतंक के संतुलन की थ्योरी दी थी। उनका मानना था कि जिस दिन देशों को ये एहसास हो जाएगा कि एक झटके में पूरी आर्मी खत्म हो सकती है, उस दिन वे तुरंत शांति के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्फ्रेड ने ऑस्ट्रियन लेखिका बार्था वोन सटनर को लिखी चिट्ठियों में इसका जिक्र किया था। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, हो सकता है कि मेरी फैक्ट्रियां आपके शांति सम्मेलनों से बहुत पहले युद्ध पर लगाम लगा दें। यह दावा बाद में गलत साबित हुआ। पहले विश्व युद्ध में उनके आविष्कारों का जो घृणित इस्तेमाल हुआ, उसे देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहे। 10 दिसंबर 1896 को उनकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिख दी थी। इसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति को शह देने के लिए डोनेशन की बात लिखी थी। वसीयत लिखने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी बार्था को दी। बार्था का जवाब आया, मैं रहूं या ना रहूं ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमने जो कुछ दिया है वो हमेशा कायम रहने वाला है। 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हो गई। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में अवार्ड दिए जाते थे। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिए जाने लगे। अल्फ्रेड नोबेल के लिए शांति वाला पुरस्कार सबसे अहम था। उनकी वसीयत में लिखा था कि पीस प्राइज का विजेता 5 लोगों की कमेटी द्वारा चुना जाए और उस कमेटी का चुनाव नॉर्वे की संसद करे। इसी वजह से शांति का नोबेल नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि बाकी स्वीडन में। हमने तारीख के 10 दिसंबर के एपिसोड में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत और उसके भारत कनेक्शन के बारे में विस्तार से बताया है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लौटते हैं अब दुनियादारी की ओर, जिसमें नोबेल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों की चर्चा की जा रही है। अल्फ्रेड के दोस्त बार्था को 1905 में नोबेल पीस प्राइज मिला। 1914 में उनकी मौत हो गई। अल्फ्रेड 2 दशक पहले ही गुजर चुके थे, दोनों नहीं रहे, लेकिन उनका नाम और काम बना रहा। नोबेल पुरस्कार बने रहे, उनकी प्रतिष्ठा बनी रही। ठीक ठाक कहा जाए तो ख्याति में विस्तार ही हुआ है। ख्याति अपने साथ लांछन भी लेकर आती है। नोबेल पुरस्कारों की उम्र 120 साल की हो चुकी है। इस अवधि में दुनिया ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं। 2 विश्व युद्ध, 5 दशकों तक चला शीत युद्ध, इंटरनेट की खोज, देशों का विभाजन, नए देशों का निर्माण, महामारियां आदि आदि। हम लल्लन टॉप पर उन घटनाओं के बारे में बताते रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। विज्ञान, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों पर विवाद कम ही होता है, लेकिन पीस प्राइज के साथ ऐसा नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में लिखा था, पीस प्राइज किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसने देशों के बीच भाईचारा बढ़ाने, सैनिकों की संख्या घटाने और शांति को बढ़ावा देने को लेकर बेहतरीन काम किया हो। लेकिन उनकी इच्छा का कई बार पालन नहीं हुआ। अवार्ड देने वाली कमेटी ने फाउंडर की मूल बात पर ही मट्ठा डाल दिया। 1935 में जर्मन पत्रकार कार्ल वोन ओसिएस्की को नोबेल पीस प्राइज मिला। कार्ल ने हिटलर की युद्ध की तैयारियों को उजागर किया था। वो हिटलर के धुर विरोधी थे।
कार्ल को अवार्ड मिला तो हिटलर नाराज हो गया। उसने जर्मन लोगों को नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उसने नोबेल प्राइज को टक्कर देने के लिए नेशनल अवार्ड भी शुरू किया। 1938 और 1939 में तीन जर्मन वैज्ञानिकों को नोबेल देने का ऐलान हुआ, लेकिन हिटलर के दबाव में उन्हें प्राइज लेने से इनकार करना पड़ा। हालांकि हिटलर की मौत के बाद उन्होंने इसे ग्रहण कर लिया। 1939 में स्वीडन के एक सांसद ने हिटलर का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए भेज दिया था मजाक में। इसको लेकर खूब बवाल हुआ, तब जाकर नॉमिनेशन वापस लिया गया। ये तो हुई हिटलर की बात। 1945 में हिटलर मर गया। उसी साल दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हुआ। फिर अक्टूबर महीने में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। यूएन को स्थापित करने में कॉर्डेल हल नाम के एक राजनीतिक का बड़ा योगदान था। हल 1933 से 1944 तक अमेरिका के विदेश मंत्री भी रहे। 1945 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। पीस प्राइज मिलने से 6 साल पहले की बात है। मई 1939 में एसएस सेंट लुइस नामक एक जहाज हवाना पहुंचा। इस जहाज में 900 से अधिक यहूदी सवार थे। वे यूरोप में नाजियों के कहर से बचकर आए थे। उनका इरादा अमेरिका में शरण लेने का था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इसके लिए तैयार थे, लेकिन हल ने इसका विरोध किया। उन्होंने कुछ सांसदों को साथ मिला लिया था, अगले चुनाव में सपोर्ट खींचने की धमकी भी दी। आखिरकार रूजवेल्ट ने जहाज को एंट्री देने से मना कर दिया। सेंट लुइस को वापस यूरोप भेज दिया गया। जहाज पर सवार 250 से अधिक लोग हिटलर के होलोकॉस्ट में मारे गए। इन हत्याओं के सबसे बड़े जिम्मेदार हल थे। फिर भी नोबेल कमेटी ने उन्हें शांति का अगुआ घोषित किया था। इसकी आलोचना भी जमकर हुई। यूएन की स्थापना का एक मकसद युद्ध रोकना भी था। दुनिया ने वर्ल्ड वॉर की विभीषिका देखी थी। नुकसान से बचने के लिए देशों ने एक साझा प्लेटफॉर्म बनाया। हालांकि शुरुआती दौर में ही समझ आ चुका था कि लालच और घृणा कोई अंत नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ लड़ाई के लिए नए सहयोगी और नए मैदान तलाशने लगे। इसी दौर में वियतनाम वॉर शुरू हुआ। वियतनाम वॉर 20 सालों तक चला। इसमें लाखों लोगों की मौत हुई। जनवरी 1973 में युद्ध विराम पर सहमति बनी। उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर थे। किसिंजर के आदेश पर अमेरिकी सेना ने युद्ध विराम के बीच में हनोई पर बमबारी की थी। किसिंजर को कई देशों में सरकार गिराने के लिए भी जाना जाता है। इन सब आरोपों के बावजूद उन्हें 1973 में नोबेल पीस प्राइज मिला। नॉर्थ वियतनाम के नेता ली डक थो के साथ थो ने किसिंजर के साथ अवार्ड लेने से मना कर दिया। अवार्ड कमेटी के 2 सदस्यों ने किसिंजर के विरोध में इस्तीफा भी दिया था। 1994 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के मुखिया यासिर अराफात को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। इसराइल के 2 दिग्गज नेताओं इतहाक रॉबिन और सिमोन पेरेस के साथ उन्होंने ओस्लो पीस अकॉर्ड्स को अमली जमा पहनाया था। इसके तहत इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने का वादा किया गया था, लेकिन ये समझौता कभी सफल नहीं हो सका। इसके अलावा अराफात पर आतंकी हमलों और हाईजैकिंग के संगीन आरोप भी थे, फिर भी उन्हें ये अवार्ड दिया गया। हालिया समय में नोबेल पीस प्राइज पर विवाद के 2 बड़े उदाहरण इथियोपिया और म्यांमार में मिलते हैं। 1991 में आंग सान सूची को यह अवार्ड मिला था, सैन्य शासन के खिलाफ तन कर विरोध करने के लिए। सूची मानवाधिकारों के लिए लड़ती थी, लेकिन जब वो सत्ता में आई और सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया, तब वो चुप बैठी रही। उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। हालांकि सेना का मौन समर्थन भी उन्हें बचा नहीं पाया। फरवरी 2021 में सेना ने उन्हें कुर्सी से उतारकर जेल में बिठा दिया। कई मामलों में उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली को 2018 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, इरिट्रिया के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए। 2020 से एबी अहमद अपने ही एक प्रांत के साथ सिविल वॉर लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों महिलाओं का बलात्कार हो चुका है, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, आबादी के एक बड़ा हिस्सा भुखमरी की कगार पर खड़ा है। इन सब के बीच एबी अहमद अली अपनी जनता को युद्ध के लिए उकसाते हैं। इसी तरह 2009 में बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ओबामा ने इराक वॉर में सेना की तैनाती
बढ़ाई थी। 2012 में यूरोपियन यूनियन को यह अवार्ड मिला। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन दुनिया भर के देशों में हथियार बेचती है, उसने युद्ध और हिंसा को बढ़ावा ही दिया है। इस तरह के विवादित मामलों में नोबेल कमेटी का एक तर्क है वो ये कि किसी भी व्यक्ति को नोबेल उसकी हालिया उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ये जीवन पर्यंत नहीं है। उन्होंने बाद में क्या किया इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आगे नहीं तो पीछे के रिकॉर्ड की पड़ताल तो की ही जा सकती है। अगर ये संभव नहीं है तो नोबेल पुरस्कारों से जुड़े लंबे चौड़े विशेषण हटा लिए जाने चाहिए। ये तो हुई अवार्ड देने की बात। अगर बाद में विवाद हो तो क्या कमेटी अवार्ड छीन सकती है? कतई नहीं। अवार्ड देने वाली कमेटी का कहना है कि ना तो अल्फ्रेड नोबेल की ऐसी इच्छा थी और ना ही कमेटी ने कभी ऐसा सोचा। आज तक नोबेल दिए जाने के बाद किसी से वापस ये नहीं लिया गया है। नोबेल पुरस्कारों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं विदेशी मीडिया में छप रही सुर्खियों की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर मेक्सिको से है। मेक्सिको के चियापस स्टेट में प्रवासी मजदूरों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में 50 से अधिक लोग मारे गए। ट्रक में 100 से अधिक मजदूर सवार थे। ये लोग सेंट्रल अमेरिका से मेक्सिको में घुस रहे थे। पीड़ितों की पहचान की जा रही है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि ड्राइवर ट्रक को तेजी से भगाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका नियंत्रण छूट गया और हादसा हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी है, मेक्सिको माइग्रेंट ट्रक क्रैश लीव्स 53 डेड। ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट news.com की खबर है, डजंस डाई इन हॉरर मेक्सिको ट्रक क्रैश। अगली खबर ताइवान से जुड़ी है। ताइवान को मान्यता देने वाले देशों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब की बार निकारागुआ ने ताइवान से आधिकारिक संबंध तोड़ लिए हैं। उसने ऐसा पहले भी किया था साल 1985 में, लेकिन 5 वर्ष बाद वो वापस ताइवान के पास चला गया। अब 13 देश और वेटिकन ही ताइवान को संप्रभु देश मानते हैं। 2017 में यह संख्या 21 थी। निकारागुआ अब चीन के साथ डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत करेगा। चीन की पॉलिसी साफ है, उसका कहना है कि ताइवान उसी का एक प्रांत है, उसे किसी न किसी दिन मेन चाइना के साथ मिलना ही है, इसलिए ताइवान के मसले पर हमसे बात करो। निकारागुआ के हृदय परिवर्तन पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ताइवान लूजेस निकारागुआ एज एलाई एज टेंशंस विद चाइना राइज। मतलब चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच निकारागुआ ने ताइवान का साथ छोड़ा। सीएनएन ने सुर्खी लगाई है, निकारागुआ एंड्स रिलेशंस विद ताइवान इन अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर चाइना। यानी निकारागुआ का ताइवान के साथ रिश्ते खत्म करने का फैसला चीन की बड़ी कूटनीतिक जीत है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विदेश मंत्री के बयान को प्रमुखता से जगह दी है। ग्लोबल टाइम्स की सुर्खी है, राइट चॉइस टू कट टाइज विद ताइवान आइलैंड चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर। इसी मामले में ग्लोबल टाइम्स की एक और खबर ध्यान खींचती है। ताइवान को टाटा बाय बाय करने के 3 घंटे के अंदर निकारागुआ सरकार के प्रतिनिधि चीन में थे। जानकारों का कहना है कि ये सब प्री प्लान्ड था। चीन लंबे समय से निकारागुआ को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे कामयाबी मिल गई है। चीन से एक और बड़ी खबर है, 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने हैं। सबसे पहले अमेरिका ने इन खेलों का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने का ऐलान किया था, यानी खिलाड़ी तो आएंगे लेकिन सरकार अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। अमेरिका का दावा है कि उसने ये कदम शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार के विरोध में उठाया। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी इसी लीक पर चले। चीन इससे नाराज है, उसने कहा है कि करारा जवाब मिलेगा। ब्लूमबर्ग ने सुर्खी लगाई है, ओलंपिक्स बायकॉट्स पुट चाइना इन क्वांडरी। यानी ओलंपिक खेलों के बहिष्कार के फैसले ने चीन को व्याकुल कर दिया है। चीन के बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बियर शॉर्टेज का मामला छाया हुआ है। क्रिसमस का त्यौहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में बियर की कमी ऑस्ट्रेलियाई जनता के लिए सदमे की तरह है। कोरोना के कारण सप्लाई चेन में आई बाधा के चलते समस्या आ रही है। कई कंपनियों ने बियर के ऑर्डर पर लिमिट तय कर दी है। ब्लूमबर्ग की सुर्खी है, बियर शॉर्टेज इज अ नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस फॉर ऑस्ट्रेलियंस। यानी क्रिसमस से पहले बियर की कमी ऑस्ट्रेलिया की जनता के लिए किसी दुस्वप्न की तरह है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP फिर से सुर्खियों में है। 25 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान सरकार और TTP के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ। सरकार ने 102 कैदियों को रिहा करने की बात कही। दोनों पक्षों ने इस अवधि में हथियार रखने की बात भी कही। इस समझौते की मध्यस्थता की थी अफगान तालिबान ने। 1 नवंबर से समझौता लागू हो गया 1 महीने के लिए।
उस समय कहा गया कि सब ठीक रहा तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। दिसंबर का महीना आ चुका है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है। टीटीपी ने कहा है कि हम संघर्ष विराम को खत्म करते हैं। टीटीपी का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। डॉन ने इस खबर को होमपेज पर जगह दी है। डॉन में पाक पीएम इमरान खान का बयान आकर्षित करता है। इमरान खान ने इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 में भारत से बातचीत को लेकर अपनी राय रखी। इमरान ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा बातचीत से ही सुलझ सकता है, लेकिन जब तक भारत में बीजेपी की सरकार है तब तक उनसे बातचीत संभव नहीं है। अल जजीरा ने विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज की खबर छापी है। सुर्खी है, द यूएस विंस अपील ओवर द एक्सट्रेडिशन ऑफ विकिलीक्स फाउंडर असांजे। अमेरिका ने विकिलीक्स के फाउंडर असांज का प्रत्यर्पण केस जीता। विकिलीक्स पहली बार 2010 में चर्चा में आया था, तब उसने इराक वॉर में अमेरिकी सैनिकों द्वारा नागरिकों और पत्रकारों की हत्या का एक वीडियो रिलीज किया था। इसके बाद विकिलीक्स ने हजारों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में डाले हैं। अमेरिका असांज को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है, वो उनके ऊपर केस चलाना चाहता है। इसी डर से असांज ने 2012 में लंदन के इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले ली थी। 2019 में उन्हें दूतावास से गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका ने उन्हें अपने यहाँ लाने की अर्जी डाली, निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। आज ब्रिटिश हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। अदालत ने कहा कि असांज को अमेरिका भेजा जा सकता है। अब गेंद ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल के पाले में है। प्रत्यर्पण पर अंतिम फैसला उन्हीं के हाथ में है। हालांकि असांज के पास अभी अपील का अधिकार बचा हुआ है। उनकी टीम ने कहा है कि वो जल्द ही फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। असांज के मामले पर अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। जाते जाते एक जानकारी लेते जाइए, 17 से 19 दिसंबर होने वाला है कुछ खास। साहित्य, कला, पत्रकारिता, राजनीति, खेल, उद्योग आदि जगत के बड़े नाम आएंगे एक साथ और होंगे रूबरू उन लोगों से जिनसे मिलकर जन बनता है हिंदुस्तान। देश के प्रख्यात कलाकारों द्वारा हर शाम सांस्कृतिक प्रस्तुति, तो स्वागत है आपका सोशियो कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक में। ये कहाँ होगा? इंदौर के यशवंत क्लब में। तो मिलना जुलना बना रहे आप बने रहिए दी ललन टॉक के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।